इंदौर कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा लगातार अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इंदौर शहर ने स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 का खिताब जीता है। वैसे ही अब यातायात में भी नंबर 1 को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर के अव्यवस्थित यातायात को लेकर अब इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने भी एक नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है। देखिए इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। पिछले दिनों पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार जो युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं और DCP ट्रैफिक और उनकी पूरी टीम ने लगातार इस मेहनत से काम किया है, उसके परिणाम हमें लगातार दिख रहे हैं। पुलिस इसकी तह तक जाकर उसके हर छोटे से छोटे पहलू पर काम कर रही है, जो कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बना सकती है और इसमें गुणात्मक परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। हम देखें तो इस कड़ी में पुलिस की पूरी कोशिश है कि यातायात व्यवस्था से जुड़ी जो जागरूकता है हर व्यक्ति के जीवन पद्धति का हिस्सा बने, क्योंकि इंदौर ने अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छता से लेकर और अन्य कई आयामों में इसको जीवन में अपना करके इसमें एक अलग पहचान बनाई है। पुलिस की कोशिश है कि यातायात व्यवस्था से जुड़े हर पहलू पर आम व्यक्ति एक सतर्कता से और सजगता से काम करे, और उस कड़ी में पुलिस ने वाहनों को व्यवस्थित तरीके से रखने को लेकर के आज एक मुहिम शुरू किया है, जिसमें पुलिस की कोशिश है कि कई बार छोटे छोटे हमारे प्रयासों से बड़े बड़े परिणाम सामने आते हैं। और अगर हम सार्वजनिक यातायात की पार्किंग की बात करें तो वाहनों को बेतरतीब रखने से एक दो लोगों की छोटी सी असावधानी से पूरी यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, दुष्प्रभावित होने से पूरा एक वहाँ से जाम की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में आवश्यक है कि हम जहाँ भी वाहन को पार्क करें बेतरतीब न रखें, अव्यवस्थित न रखें, उसको व्यवस्थित तरीके से सीधे रखें, और इस छोटे से हमारे प्रयास से उस जगह की जिस जगह पर हम रह रहे हैं या जहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं पूरी एक पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलती है। यह प्रयोग के तौर पर देखा गया है कि इसके बड़े सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और आज से मुख्तार पूरे शहर में इसको एक मुहिम के रूप में शुरू किया जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।